स्टेशन में एक धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है, जिसमें आरोपी 2012 से ही धोखाधड़ी के कामों में लिप्त बताया जा रहा है। आरोपी जयंत प्रभाकर झामरे पर 2012 में प्रताप नगर पुलिस स्टेशन में फ्रॉड का मामला दर्ज था। पुलिस की माने तो अब तक 56,94,500 रुपए की धोखाधड़ी की गई है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस आगे की जांच कर रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ रूपा पंडित, BCN न्यूज, नागपुर। सदर तहसील थाने में 530/2021 का 420 का गुना है, उसमें एक फरार आरोपी है जयंत प्रभाकर झामरे। यह आरोपी को ढूंढने पर भी वो नहीं मिल रहा था, फरार था वो। आरोपी का रिकॉर्ड चेक करने पर ऐसा पता चला कि आरोपी ने 2012 में आरपी नगर में स्टॉक मार्केट का ऑफिस खोला था और वहाँ बहुत सारे कस्टमर को उसने उसमें फंसाया था। इसके खिलाफ 2012 में आरपी नगर में CR नंबर 142/12 पुनः दाखिल था और उसने साथ में MPID का ही कानून लगाया था। उसके बाद में आरोपी ने नागपुर में कोई डमी कैंडिडेट खड़े करके प्रॉपर्टी की खरीदी बिक्री किया था। उसके बाद में से 2015 से वो नागपुर से फरार हो गया था और बॉम्बे में जाके वही ऐसे फ्रॉड का काम कर रहा था। तो जयंत प्रभाकर झामरे के ऊपर थाने सिटी में नौपाड़ा थाने के अंदर 2020 में 420+ MPID का दाखिल हो गया था। ऐसी जानकारी मिलने के बाद में हमने आरोपी का शोध किया, उनको आरोपी बॉम्बे में मिला, उसको पकड़ के लाया था।